दादी दादी जी बोल अच्छा नहीं भी बोला था अपने मन से लगा ली ठीक है। यहाँ पर जी अंकल जी आ चुके हैं और देख सकते हैं पूजा की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है और क्रियांश भी आ गया है पूजा में शामिल होने के लिए और बाकी सभी लोग हो रहे हैं तैयार। और जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है ये है आकृति। यहाँ पति देव कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं अमित भाई को लाने के लिए। अमित भाई आ गए स्टेशन पर, जल्दी चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ कौन है हमारे सामने, यहाँ है हमारे अमित भाई। बाबू को नहीं अफसोस वाले के। अरे भैया इतनी क्या जरूरत थी। यहाँ पे प्रसादी लगाया जा रहा है, बहुत चीज है सबको प्रसादी। हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और सभी लोग सोए हैं, मम्मी आउट के बैठे हैं और सभी लोग सोए हैं। थोड़ा देर पंडित जी आएंगे तो जल्दी से चलते हैं, पूजा का सारा काम कर लेते हैं। और इधर हमारा बेटा लाल सोया, बर्थडे बॉय आज धीरे भी सोएंगे आराम से। और पता है मम्मी आपको, कल शाम में जो हम दिया जलाए थे अभी तक जला हुआ है। बताओ अब आगे हमको एक पोता और होने वाला है। हाँ। लेकिन जिया के मन है पोती के, पोती हो जाए आपको हमें भी खुशी होगी। चल एक पोता एक पोती हो गई। पता है कल शाम में जो दिया जलाए थे अभी तक जलता है। सुन रहे थे अभी। ये देखिए जबकि को ऐसे हम नॉर्मली जलाए थे अपने जल रहा है। वाह बढ़िया। तो यहाँ पे आप पूजा का प्रसाद बुझाया जाएगा। यहाँ पे है घी और यहाँ पे कुछ मैदा, क्योंकि हमारी बुआ जी भी इधर खड़ी है कि तुम थोड़ा सा पूछ के चली जाओ तैयार होने के लिए, है ना बुआ जी? क्योंकि बुआ जी हमें कही कि तुम नाइटी बनी और मेरी जल्दी से नहा। बर्तन थोड़ा सा था तो बुआ जी बोले लग रही है अभी उठा के लिए चले आए। हम बोले प्रसाद बन जाएगा, फिर घी में बुझाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उधर हमारी दो दो जो है मन्नत तैयार है, नहा लिया अब इसको एकदम लाल से भूजा जाएगा, है ना बुआ? इसलिए इधर का प्रसाद इतना सबको अच्छा लगता है क्योंकि पूरा घी में भूजा रहता है एकदम। क्रियांश कौन सा ड्रेस पहनने वाला है? ये वाला जो कुर्ता पैजामा जो कि उनकी दादी दी है, बहुत ही प्यारा है, जब पहनेगा तो फिर बहुत अच्छा। देखिए घर में तो पूजा है, थोड़ा सा लाल बॉर्डर का हम पहन सकते हैं। मेहमान जी के दिमाग भी कथा करने चाहिए। नल मिल लेती, नल के अपन खोल लागले पलंग तर ताटे के घुस गए। कतो कानबे नहीं करे, मिलबे नहीं करे, बाथरूम कोई देखे नहीं जाए। बाथरूम घुस गया था, बाथरूम न भूकल के आराम से नल खोल बाबा बोल दादी बोलेगा बाबा दादी 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 जी बोल अच्छा बाबा नहीं भी बोला था अपने मन से लगा ली ठीक है। बाबा दादी तो बाबा दादी अरविंद मुला करते बुआ। तो इधर भी हम हो गए हैं जी तैयार, अपना यहाँ जो है नया कुर्ता लिया। आप लोग बताइएगा कमेंट करके आखिर कैसा लग रहा है। क्रियांश जो है क्रियांश भी मैचिंग ही हमसे पहना हुआ है। तो क्रियांश का अभी तक आपने देख लिया होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि सभी के हाथ में मोबाइल जा रहा है, कौन कहाँ से शूट कर रहा है, सारी मेमोरी को एक साथ डाल रहे हैं। तो दिखाते हैं क्रियांश को एक बार फिर से अगर आपने अभी तक नहीं देखा। तो क्रियांश को देख सकते हैं वहाँ आराम से खेल रहा है, उसके आगे मजे में खेल रहा है, फैशन में भी है, एकदम मैचिंग में है पापा से। यहाँ पर जी अंकल जी आ चुके हैं और देख सकते हैं पूजा की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है और क्रियांश भी आ गया है पूजा में शामिल होने के लिए और बाकी सभी लोग हो रहे हैं तैयार। कोई क्रियांश बस क्रियांश ने पापा को देख लिया, पापा के पास आएगा। ये देखिए ये देखिए साड़ी पहन चुकी और जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है ये है आकृति छोटा। तो ये बोली कि मैं कर देती हूँ थोड़ा बहुत, तो फटाफट ये करेगी, ज्यादा कुछ तो नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत करेगी, है ना? हाँ। ज्यादा नहीं करवाना है, टाइम नहीं है इसलिए, नहीं तो अच्छे से तैयार करती आज दीदी को। हाँ। ये बहुत तैयार होगी, मैं तैयार होगी तो इसलिए मुझे अच्छे से करेगी। ये जिया दीदी देखिए ये ठीक है, ऐसे निकालते हैं आप। हाँ हाँ मंगलाय सुभाषस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते भाद्रपूर्ण नमस्कार अर्पयामि भूयोस्मरणाख्यवाहि देवताभ्यो नमः। यहाँ पतिदेव कहाँ जा रहे हैं आप?
जा रहे हैं अमित भाई को लाने के लिए। अमित भाई आ गए स्टेशन पर, जल्दी चलते हैं। फाइनली हम यहाँ रेडी हो चुके हैं और रितु हो रही है रेडी, थोड़ी बहुत हुई है, थोड़ी हो जाएगी थोड़ी देर में। रितु जल्दी करो, पंडित जी वहाँ पूजा करा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कौन है हमारे सामने, यहाँ है हमारे अमित भाई। बाबू को नहीं लगा अफसोस वाले के, अपने भाई के जन्मदिन में आता है वो। स्टेशन हम पहुँचे, बहुत बढ़िया है। तो भाई अगर कोई नियर बाई है, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ भी रहिए, इनसे चार रंग हो जाइए। सभी अंदर, अरे हम नहीं आते तो भैया मिल लिए दिया जी से ऐसा बड़े पहले के ना क्रियांश सोया सोया कोई बात नहीं, हमें ये क्रियांश के लिए हैप्पी बर्थडे। अरे भैया इतनी क्या जरूरत थी, अरे यार ये भाई बहुत बड़ा, हेलो साथ में बहुत अच्छे हैं बढ़िया, अभी आप लोग खुद सारी तारीफ कर रहे थे, मेरी तारीफ हां नहीं कर रहे थे। अच्छा हुआ हम बोर्ड होते हुए आए हैं, और थोड़ा सा तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सासुर भाई के घर, और स्टेशन से मेरे को लगा पैदल ही आ जाता मैं, अगर मेरे नेविगेशन दे रहा है सिर्फ किट्टो को बोले तुम आगे तक बता दो मुझे, नहीं कोई बात नहीं। कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गांव में सोया अकेला आदमी क्या करना है, उसमें तो खाना कोई मिलता रहता है, टाइम नहीं, मुंह में लगा लिया दो तीन घर के हर को नाम तो जी पूजा का लगभग जो है समापन हो ही गया है, और अमित भाई सब भी आ गए हैं, लगभग सारे क्रिएटर आ गए हैं, और रुद्र पूजा से फोन पर बात भी, वो लोग भी जो है कुछ देर में आ ही जाएंगे। फंक्शन है जी लगभग क्या कह सकते हैं कि 10-12 काम जो है एक साथ ही आ जाता है, तो इतने में जो है दिमाग कभी कभी जो है हैंग कर जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, लेकिन अच्छा है जो सपोर्ट में जो है हमारे पड़ोस के लोग हैं, हमारे साली साहब है, हमारा दोस्त है, सभी लोग यहाँ पर, हमारे फूफा जी है, सभी लोग हैं, तो इस तरह से जो है काम चल रहा है, और लगन जो है सभी लोगों के सहयोग से ही सफल होता है। पूजा में बैठे हुए हैं, अब पूजा कम्प्लीट हो गया, बस हवन होगा है दीदी। हाँ बस हवन होगा, और सब लोग मतलब अभी खाना खाने के लिए भी जाएगी, साथ में जाके चार बार बोल चुके हैं ये टाइम से नाश्ता कर लीजिए तो खाना लगने वाला है, और अभी पूजा कर रहे हैं और सब लोग बैठे हुए हैं। नीतू क्या कर रही है तुम, क्या कर रही हो, बोला था जोर, मम्मी का रील डाल रही हो। अच्छा एकदम संस्कारी बहू, बहुत अच्छी है ना, कि मम्मी का पहले रील डालेंगी, सब बहुत कम बोलती है, अभी मैं सुनी उनका आवाज, क्योंकि हमने बोला कि इतना जोर से बोलना है ना, कम बोलती है, इतना ज्यादा बोलती है, ये ज्यादा नहीं बोलती है, ये मतलब संस्कार बोल रही हूँ, एकदम मतलब हवन का तैयारी चल रहा है। ओम शुक्राय स्वाहा, ओम सोमेश्वराय स्वाहा, ओम रंगराहवे स्वाहा, सत्यनारायणाय स्वाहा, ओम भव सत्यनारायणाय स्वाहा, ओम विश्वानंद मित्राय पंडित कविद्वम सम्राज श्री जनानां पाशानां पात्रं जनयंत देवाय स्वाहा। चलिए भीम दुर्गा कटोरी उठाइए, जय करो जय जय ओम जय 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 मासी कब से ढूंढ रही थी तुमको, है? ये मासी का बच्चा है, मासी का बच्चा है, हमारा वीडियो बना था हमारे तिले से, हाँ बार बार हमने दे दिया पहले ही, हमने पहले अंदर भी है, देखो प्रियांश ये देखो लाइट, हाय करो, हाय हाय करो प्रियांश, हाँ कर रहा है, हेलो, वाह वाह वाह, मासी बता मासी अच्छी लग रही है, प्रियांश इधर देखो, अभी वो कैमरा देख रहे ना इस वजह से, हाय प्रियांश, प्रियांश हाय करो, हाय हाय करो, यहाँ पे प्रसादी लगाया जा रहा है, बुआ जी दे रही है सबको प्रसादी, हो गया समाप्त, और यहाँ पे सभी खा रहे प्रसाद, आपको इधर का प्रसाद कैसा लगा, किचन से खा चुकी है, किचन से
प्रसाद खाना चाहिए। मन के पूरा समझ में आ रहे भाई थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे ये मिथिला का है। हमको हमको बहुत कुछ समझ में आ जाए ना लेकिन जीजा जीजा समझ में आ रहा है। हम ये सही मिथिला के है। जब हमारे बेटा के साली सर रोज इतना प्रेम करे मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये होता है आप जब लॉकडाउन के टाइम पे जब जिया और शाश्वत भाई आपके यहाँ थे तो आप लोग का कॉमेडी वीडियो में बहुत देखता था और खासकर आपके लिए देखता था। अरे यही हम लोग ये हमें तैयार कर देती थी। जबरदस्ती में बोलिए आपका इंटरेस्ट रहता था। देखिए कलाकार आदमी जो होता है ना वो सोचता बस कोई तो एक बार कह दे मैं थोड़ा सा। ये बात है जैसे कि मम्मी आप भैया चाह रहे कि कोई मुझे डांस करने बोल दे तो हम कितना भी कह दे वो नहीं करेगा। देखिए वो पूरा है तो आप पश्चिम है बस दोनों आदि अलग अलग है। जब ये आए थे मैं इनसे मिली तो मैं अमित भैया बोल रही थी लेकिन मासी ने अभी अमित भैया हम लोग तो भैया ही बोलते हैं बोलोगी सब भैया हैं लेकिन हम लोग अगर चीज करते हैं।